रैपर योयो हनी सिंह को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हनी सिंह के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। बताया जा रहा है कि हनी सिंह दिल्ली के एक क्लब में परफॉर्म करने पहुंचे थे और उसी दौरान कुछ लड़के स्टेज पर चढ़ आए और उन्होंने हनी सिंह की धुलाई कर दी। इतना ही नहीं, हनी सिंह के साथ मारपीट करने वाले लड़के अपने हाथों में हथियार लेकर आए थे। गनीमत रही कि उन्होंने हनी सिंह पर हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हनी सिंह का साउथ दिल्ली के एक क्लब में शो था और हनी सिंह अपनी टीम और सिक्योरिटी के साथ वहां परफॉर्म करने पहुंचे थे। हनी सिंह की परफॉर्मेंस देखने के लिए क्लब में काफी भीड़ हो चुकी थी और हनी सिंह परफॉर्म कर रहे थे और तभी कुछ लड़के स्टेज पर आए और हनी सिंह और दूसरे आर्टिस्ट के साथ धक्का मुक्की करने लगे। लड़कों ने भरे शो में बियर की बोतलें दिखाई और धक्का मुक्की की। मामला गंभीर होता देख हनी सिंह ने शो को बीच में ही बंद कर दिया और फटाफट वहां से निकल गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान लड़कों ने हनी सिंह के साथ मारपीट भी की। इस पूरी घटना के बाद हनी सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने इस मामले में पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। अपनी शिकायत में हनी सिंह ने बताया है कि चेक शर्ट में एक आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आगे की ओर खींचने लगा। मैं उससे बचने की कोशिश कर रहा था पर वो मुझे धमकाता रहा और वहीं दूसरी ओर लाल शर्ट में एक व्यक्ति मेरी वीडियो बना रहा था। वो कह रहा था कि हनी सिंह को भगा दिया। फिलहाल पुलिस ने हनी सिंह की शिकायत पर FIR दर्ज कर दी है और पुलिस CCTV की मदद से लड़कों की पहचान कर रही है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि क्लब में बाउंसरों की इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद लड़के हथियार लेकर कैसे घुस गए। बाउंसरों के बीच लड़के स्टेज पर भी चढ़ गए और उन्होंने मारपीट भी कर दी। इस घटना के दौरान सिक्योरिटी क्या कर रही थी? फिलहाल जो भी है, इस केस पर पुलिस को गंभीरता से जांच करनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं।